वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड गाइस अभी बज गए सुबह के 5 बज चुके हैं, आंखें मेरी मेरी बिल्कुल लाल क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। मैं एक फंक्शन में चले गया था गोसुल भाई के साथ, और भाई आके अभी जो है ना भाई मैं थोड़ी देर लेटा, आधे घंटे मैं जब भी कह रहा था रहता था जब भी निकल चलते, लेकिन ये कैरी नहीं, थोड़ा वो भी था कि इतने जल्दी जाके क्या निकलेंगे इन लोगों ने, तो थोड़ी नींद कर ली। और भाई जो अभी दिल्ली जाने का वो है कि फैसल की हो चुकी है भाई, जैसे रिश्ते तो पक्का कर दिया हमने, आगे कोई एक प्रोग्राम करेंगे उसकी तैयारियाँ करनी है, तो फैसल को भी कुछ कपड़े वपड़े दिलाने, मुझे भी लेने, तो भाई मैं जा रहा हूँ, तो भाई अपनी अहलिया को तो साथ बिल्कुल लेके जाऊंगा। और ये देखे हैं दुबई, अहलिया दुबई कहाँ तुमने? दुबई नहीं भाई जी, हम अपन जा रहे हैं दिल्ली, दुबई जाएंगे अभी रायमा की शादी के बाद, प्लान वैन करेंगे जो हमारा बिल्कुल बैचलर वाला प्लान है। और देखो जी मेरे प्लान से बिल्कुल इनकी एकदम आवाज़ जो होती है बंद हो जाती है, सिट्टी पिट्टी इनकी गुल हो जाती है। तो बस भाई निकलते हैं हम लोग क्योंकि 5 बज चुके हैं, 9 बजे तक, 9 बजे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे दिल्ली में, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। तो चलो यार चलते हैं, चाय वाय पी लें ये लोग थोड़ी सी, क्योंकि मैं तो चाय वाय पीता नहीं, ये लोग पी लें थोड़ी, तो ठीक है चलो। तो गाइस जैसे कि आपको पता दिल्ली हम निकल रहे हैं भाई, जब फैसल का रिश्ता पक्का हो गया तो पी रहे हैं ये चाय, और इनकी करनी है शॉपिंग वॉपिंग क्योंकि अब एक होने वाला है एक प्रोग्राम घर में फंक्शन, तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रही है भाई, इनके साथ जा रहे हैं इनके दो भाई और मैं जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि रैवा की बहन की भी शादी है, इनकी शॉपिंग का भी से दिल भरा नहीं है, तो इन्होंने क्या थोड़ी बहुत और करनी है भी जानी है, जितनी करनी है कर लो, ऐसे ही बोला था इन्होंने रामपुर में, और मोइन गवाह है ऐसी बोला था इन्होंने रामपुर में जब भी इन्होंने ले लिए थे, 3 की मुझे थोड़ी बहुत करनी है, और उसके बाद भाई अब जब ये जा रही है तब में बहुत ले लेती है, 7-8 सूट ले लिए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ बहने खानी बहने की, तो कोई बात नहीं अभी तो मैन तैयारी भाई इनकी करवानी है तो बस। तो गाइस अब लोग हम निकल गए और देखें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरी आएगी देवर की बारात, मैं मतलब वो कौन सा गाना है, अरे मतलब क्या कहेंगे, जो करने वाली चीज़ है वो करी जाएगी। तो बस गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, चले अल्हम्दुलिल्लाह तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं रामपुर, और जो है थोड़ा सा मुझे कुछ पीने का मन हो रहा था, तो भाई अभी पहुंच गए रामपुर अपनी शोएब भाई की नगरी में, अभी तो सो रहे हैं फिर वापसी में मिलेंगे, चले चले फैसल। तो गाइस ये एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से भाई हम 1 घंटे से ज़्यादा जाम में फंसे रहे, इतना ज़्यादा लंबा जाम था भाई, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे गए यहाँ पे, और पहुँचना था इतनी जल्दी, मैं तो निकल जाता बहुत पहले, लेकिन जो आगे दो मुझे और बैठे हुए हैं ना, इनकी वजह से हमें लेट हुए इतनी ज़्यादा। अभी पहुंचने वाले हैं दिल्ली भाई, अभी गढ़गंगा पहुंचे हैं, आज तो बहुत हैटिक डे हो गया हमारी मॉर्निंग से, क्योंकि इतना ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक है भाई, पीछे मुरादाबाद एक्सीडेंट हो रखा था, अल्लाह सब की हिफाजत करे जो भी उसमें था, और अभी भाई फर्स्ट टाइम दिक्कत आ रही है, कभी कोई से वाले पे कोई सा कैच हो रहा है, कभी कोई से वाले कोई सा कैच हो रहा है, 3 फर्स्ट टाइम बने हुए भाई इस गाड़ी का, क्या करूँ मैं, तीनों मेरे नाम से बने हुए, तो बस निकलते हैं भाई। 9 हमारे पहुँचना था, 9 बजे तक हार्डली हमें पहुँचना था, देखते हैं कब तक पहुँचते भाई। आज का दिन ना बड़ा हैटिक रह रहा है यार, अभी क्या था दिक्कत ही दिक्कत हो रही है, सुबह हम निकले भाई रुद्रपुर से मुरादाबाद, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, एक एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह खैर करे भाई, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो बस उसमें जो है उनकी हिफाजत करे, और अभी जो है भाई फिर यहाँ टोल की प्रॉब्लम हो गई इस गाड़ी में, फास्टैग दूसरा था, पहले मैनुअली था, पता नहीं क्या था, साले 3 फास्टैग में रिचार्ज कर लिया, तीनों मेरे नाम से थे, अब 10 मिनट का वेट करने को बोला, इसके बाद निकलते हैं पहुँचने भाई दिल्ली, 8:30 तो ही बज गए आज। सोती भी आ रही है, सोती भी आवाज से पता चल रहा है कहाँ सोई हूँ, कहाँ सोई हूँ, और ये देखें सब अंगड़ाई है, फैसल को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई, फैसल को तो ये तो तुम्हें पता ही है, क्यों कहाँ क्यों किस लिए, कैसे कलर की शेरवानी लोगे तू, तो?
मलंग मलंग लग रहा है तू तो सभी, बिल्कुल मलंग। तो बस गाड़ी तो निकल जाए यहाँ से आज, तो भाई कंटिन्यू चली रहे, चली गया रहे, कंटिन्यू रुक रहे हैं, लेकिन गाड़ी में कहीं स्टॉप भी नहीं लिया कुछ खाने पीने का। ड्राइवर ने कहा था कि आज कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं चलेंगे लगातार, कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा चल के। ये जा रहे हैं राइडर, जो कि अनस को भी बहुत शौक है ऐसी राइडिंग का, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे शौक है ना इस चीज का, क्रेज है भाई, शौक नहीं क्रेज है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस तुम्हारी बहन की शादी से निपट जाऊँ, तो बस बाइक प्लान कर लिया मैंने। एंड भाई संडे मॉर्निंग राइड का ना मजा लगा भाई, संडे मॉर्निंग राइड पर निकले वरना एकदम, मेरे साथ तो बंदी भी ऐसी होनी चाहिए थी बिल्कुल मेरे टेस्ट वाली, ये कहाँ से बंदे बढ़ गई है, बिल्कुल ऐसी है ही नहीं, मतलब एक्टिविटी है ही नहीं, घरेलू एक्टिविटी तो है ही नहीं, कोई एडवांस है वो कहते हैं ना, कोई एडवेंचर ही नहीं लाइफ, बस सीन हो गया। क्या क्या कह रही हो तुम, मुंह दो बस दो मुंह, क्या क्या कह रही हो, क्या कह रही हो शारब, तुम्हें मेरी जान कसम है अनस, तुम्हें मेरी जान कसम है। अरे मतलब हर किसी का तो वो होता है ना, हाँ कि मतलब मेंटेलिटी सब अलग होती है। अरे क्या मजा आ रहा भाई राइडिंग यार, मैं एक बचपन से राइड कर रहा हूँ, सिक्स स्टैंडर्ड से एफ सी लेके जाता था तेरा यार, सिक्स स्टैंडर्ड में एफ जेड लेके जाता था मैं अपने स्कूल रुद्रपुर में, सेकंड बाइक थी मेरी एफ जेड, जो कि एक जनता जनार्दन भाई, जनता जनार्दन के लौटे हम, और भाई सिक्स स्टैंडर्ड से लेके जाता था, क्रेज है यार मुझे बाइकों का, मेरे पैर नहीं आते थे जब से मैं बाइक, और वो भी मतलब एक एज ए स्पोर्ट बाइक मैं चलाता था, तो भाई होता है ना क्रेज, अपना अपना नेक्स्ट लिमिट होना चाहिए, जिसको जो भाई हमेशा जिंदगी में मन हो वो करना चाहिए, और मेरा तो यार बहुत मन है कि मेरा, पता है मेरा क्या है, मेरा तो ना हर जगह भाई बाय रूटी मैं तो ये रहवा से कह रहा था इंशाल्लाह बस कुछ हो, मैं उम्र भी आपको सबको साथ में बिठाल के आराम से बगदाद ईरान सबको मतलब एक ही तरफ से एक ही पूरा वाइट बेल्ट घुमा के लाऊं, लेकिन ये थोड़ी सी यार हमारी जो एलिया है ना वो साथ नहीं देती, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह, क्यों क्यों होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या इम्पॉसिबल है, रोड नहीं है बताओ, अरे भाई अपना तो क्रेज अपने बंदे को अपने पर होना चाहिए, जो इंसान कोई पैदल जा सकते तो तुम बाय कार नहीं जा सकती और हमें पहुंचना 9 बजे, लेकिन अभी तक 9 बजने वाले शायद फौरन हो चुके हैं भाई, मुझे अभी अपनी क्रूज की याद आ रही है, मैं रहबा से यही कह रहा था अगर अभी क्रूज होती ना ठंडे आ गई, कैसे लग रहा है ठंडे आ गई, लग जाती है, अच्छी बात है, एहसास होना चाहिए हर किसी चीज का, तो बस पहुँचने वाले दिन जो भाई पोल्यूशन करा रहा था, अब देखा तो पोल्यूशन भी एंड हो गया था, तो आज मैंने कहा सारे काम आज ही होने भाई, सारे दिक्कतें भरे काम है ना सारे आज ही होने, मैंने किसका मुंह देख के निकले थे जो जाम ही जाम मिल रहा है और लेट ही हो रहे हैं, तुम्हारा देखा था, तुम्हारा देखा था, मैंने और किसी का देखा था, किसका? अब बता नहीं सकता मैं, ऐसा जा रहा भाई दिन भाई, बिल्कुल हर तरफ देख सकते हो, क्या करें यार बड़ा दिक्कत हो गई आज तो। गाइस ये ओल्ड लोहे का पुल है, इसके ऊपर रहा ट्रेन चलती है, नीचे रोड है, ये ऊपर ट्रेन चलती है, अभी आने वाली होगी रुद्र, बस मूवी की शूटिंग भी हुई है ना, कौन सी, उसकी फुकरे, यस 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 यू आर राइट, फुकरे है, बस भाई आज का जो दिन है ना बताएंगे क्या था, अभी पता चल जाता आपको, बिना बताए पता चलता आवाज के साथ। तो गाइस अभी रेबो खिलाई है शिकरगंजी, जो कि मुझे भी पसंद है बहुत ज्यादा, तो कैसी लगी तुम्हें, अच्छी। सीजन की फर्स्ट शिकरगंजी दिल्ली में ना, कंटिन्यू कोई पसंद नहीं है, लेकिन मैं
अनस खा रहे थे तो मैंने खा ली, मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो गई। चलो मैं खा लेता हूँ भाई। तो गाइस अभी जो है हमने गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी और हम जा रहे हैं ई रिक्शा से, मगर टुक टुक से हमारे तो मार्केट जा रहे हैं। कौन सी मार्केट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लाजपत नगर। हाँ, इन लोगों की भी फैमिली कैसी है, मतलब कहाँ क्या चीज का फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो गाइस बहुत ये करती थी कि मैं दिल्ली होता तो वहाँ से ये ले आना, यहाँ से ये ले आना। आज इन्हें रियलाइज करा दिया मैंने, वहाँ और यहाँ से आना जाना इतना आसान नहीं होता है। आज के बाद शायद ये बोलेंगे मुझे। हाँ यार, यहाँ शॉपिंग करना, मैं हमेशा इन्हें समझाता था कि भाई कोई तो बहुत फायदा नहीं है। नहीं, तुम्हें तो मिलता ही नहीं है, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। दिख गया तुम 2 बजे सुबह आपको। तो गाइस आज जो है ना क्राउड का जो हाल है आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। एक एक जगह आने में 2-2 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं। अभी तक हम सुबह से आए हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क हुआ नहीं हमारा कंप्लीट। बस यार आई होप जो जिस काम के लिए आए वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर वो काम नहीं हो पाए फिर तो हो जाना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं आने का। धोती लुंगी नाड़े वाले पजामे सिलवाने मुझे यार। चलें चलो फिर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो फाइनली गाइस फैब्रिक ले लिया है मैंने, और भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कुछ इतने काम नहीं निपटे, और सुबह से मैं हो शाम अभी निकल रहा है मैं वापस, और ऐसा जितना सोच कर आए थे इतना कुछ हुआ नहीं। तो बस फिर अब जितना हो गया ना दिल्ली में धक्के तो जितना हो गया ठीक है, बाकी करेंगे भाई अपने रुद्रपुर से ही। और बस ये निकल के फैब्रिक लेके निकल, मुझे तो एक भी चीज नहीं मैंने ली है। तुम्हें लेनी थोड़ी थी कुछ? हां मुझे नहीं लेनी, फिर भी अब आई हूं तो कुछ तो देखूंगी। तो देख लो अभी तो मार्केट, बाद में रुद्रपुर से करूंगी, मुझे यहां समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, देवर की एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं तो घूम रहे हैं। अरे अरे आलिया भाभी तुम्हारी फेवरेट चीज। खाएंगे आप? तो गाइस अभी देखे हैं भाई हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई इंडिया गेट। अभी इंडिया गेट का जो माहौल होता है ना भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। और मैं तो यार बहुत टाइम रहा हूँ यहाँ पे, तो बस अभी जी दिल्ली की रौनक, रात की रौनक एक अलग ही रौनक है। तो देखा भाई मैं तो देखो पूरी रात का नहीं सोया, पूरा दिन हो गया और अभी भी तुम तो थोड़ा सो गई थी गाड़ी में, तो गाड़ी में तो ऐसी ही आ गया। और उसके बाद भी क्या है गाइस, अभी इसके कोई नहीं कहने दो। तो मैं अभी पूरी रात हो जाएगी घर जाते जाते, मैं अब भी नहीं सो पाऊंगा। तो भाई कोई नहीं, आदत है थोड़ा ट्रैवल की तो मैनेज कर लेंगे। बस अब दानी भाई यहाँ जा रहे हैं। अरे हालात है बिगड़े, सुबह के निकले रहते तो सबके हुलिये ऐसे हो गए, मतलब सफर में हो ही जाते हैं। खैर तो बेचारे इतनी बार सुबह से कॉल कर चुके हैं और इतना नाराज हो रहे थे, तो अब फाइनली हम उनके घर जा रहे हैं। वो बहुत ही बुला रहे हैं, बहुत ही, हमने कहा भी कि हम निकल चुके हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे, मतलब तो अब हम जा रहे हैं उनके घर। तो गाइस ये कितना प्यारा टनल लग रहा है, रोड जो हो गए ना भाई दिल्ली के उंदा उंदा और रोड हो गए। और ये देखो कैसे कैसे तीनों दिन स्नैप है स्नैप है स्नैप है भाई, कैसे स्नैप हो गई। वाह खुदा, मैं तो स्नैप ही नहीं चलाता यार, इसलिए मुझे तो स्नैप पसंद ही नहीं है, ऐसे दीवाने हो जाते हैं बिल्कुल स्नैप को देख के, वो बिल्कुल छुप गए स्नैप के पीछे से, क्या है स्नैप। तो गाइस सुबह हो गई, अभी अपन पी रहे हैं चाय, वे पी लेते हैं यार। राजा जी की हवेली है ये, राजा जी का ढाबा। तो पहले सोच रहे थे अंदर बैठेंगे, फिर तो चाय की टपरी मिल गई भाई बाहर, ये बैठ के फील लेंगे और देखें। थक गए यार, बहुत 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 ज़्यादा थक गए। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गया यार, क्योंकि मैं विजय हो गए 44 आवर्स हो गए, मतलब मैं सोया नहीं हूँ 44 आवर्स से। हालत देखे मेरी बहुत ही भाई, क्योंकि यार 48 आवर्स बहुत हो गए, 48 घंटे तक सोया नहीं। और ये अपनी चाय की टपरी, और ये मेरी चाय की टपरी के साथ ही
चाय पियेंगे, शुगर लेस चाय पिलवाता हूँ तुम्हें, शुगर लेस चाय। तो भाई चाय पी लेते हैं, ये देखें देखो लाइक दिस विलेज टाइप हाँ दिस। आ जाओ ऐसे सो रहे भाई इनका तो बिल्कुल। देख सकते भाई कितना बड़ा ढाबा खुला भाई, ये सबसे बड़ा ढाबा है इस रूट का। और बस वह मीठा कम है ना आप? अच्छा अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू। तो भाई आ गई अपनी चाय की चुस्की, एक्चुअली अभी तो एक भाई पीछे ही है सो ही रहा है। हो गई चाय भाई, हो गई चले चले और कुछ चाय। अच्छा ये देखे दोनों तो तुमने डाली कहाँ? डाल दी थी तो देखिए सुबह का नाश्ता इनका अच्छा, समी भाई मलंग प्रधान चश्मा लगा के बैठे हो भाई, क्या बात भाई, रामपुर आए रामपुर मुस्कुराए आप रामपुर में, समी की मुस्कुराहट छूट गई और तुम क्या कहना चाहोगी? मुझे खुद रामपुर आना, अभी फैसल को भी आना है भाई। इन्हें देखो अभी सब रामपुर है, सिर्फ घर जाके फिर इन्हें ना दोगे सबको रामपुर आना, लेकिन मैं नहीं आना भाई, मुझे इतने बोलनी है अपना रुद्रपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा। तो फाइनली गाइस आ गए हैं हम लोग, देखें तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए घर अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है बहुत अच्छा माशाल्लाह सफर रहा हमारा, हैटिक तो रहा यार, क्योंकि इतना ज्यादा जो सोचा था वो चीज़ निबट नहीं पाई हमारी। एक ही दिन था, एक ही दिन तो ठीक था यार भाई, जो संडे का डिसीजन था जाने का ना बहुत गलत डिसीजन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा रश रहा। तो कोई बात नहीं, मिलते आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।